हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या जिंदाबाद। जरा उन्होंने टेक्नोलॉजी बदली, इधर से उधर सैटेलाइटें घुमाई, मियाँ इधर किया, चौकीदार आगे किया, मोहल्ले वालों को इधर उधर किया और आ गया कनेक्शन। तो बड़ी प्यारी लग रही हो यार, क्या हाल है? आर यू सिंगल? आई एम सिंगल, बट आपने आपने तो अभी बोला है मोमिन साकिब को कि वो आपका फेवरेट है, तो मुझे तो आपके पे यकीन ही नहीं रहा। नहीं देखे ना, बात ये है कि जिसके साथ सेशन हो रहा होता है ना, वो मेरे फेवरेट होते हैं। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओके अम्मी ने सिखाया था मुझे कि जिसके साथ जब बात कर रहे हो ना, तो उस ओके वक्त कहो कि वही फेवरेट है, फिर जो अगला आए तो अगले जाओ, तो जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल रहोगे। और आई थिंक ये एक्सट्रीमली बैड एडवाइस थी, क्योंकि मैं अकेला ही रह गया हूँ छड़ा छांड अपने बेसमेंट में, और मेरे से ना कोई शादी करता है ना मेरे साथ कोई मेकआउट करता है, हालांकि मैं मेकआउट करने के काबिल हूँ, आपको पता है। ज़रा आपसे एक सवाल, रेडी हैं हम? जी। मुझे ये बताया जरा नूर, कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लेडी बॉय कौन है? लेडी लेडीज बॉय, लेडीज बॉय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लेडीज लेडी मतलब जो अट्रैक्ट करती लेडी है। सॉरी, हाँ लेडीज, लेडी बॉय, लेडीज मैन, एक ही बात होती है ना। लेडीज पागल है, हाँ जिनके पीछे लेडीज पागल है, हाँ लेडीज मैन, या जो चार्मिंग है, स्मूथ है लेडीज के साथ किसी। दो है। हाँ दो, हाँ बताएं बताएं। अदनान एक तो ही सिद्दीकी, लगा, अदनान सिद्दीकी। ओके, गुड गुड आंसर। हुमायूं सईद। ओके, ये दो लेडी बॉय हैं हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। आप क्योंकि मेरी बड़ी क्लोज है, आप मेरी बड़ी क्लोज हैं, और आपके दूसरा सवाल भी मैंने लिखा हुआ क्लोज नहीं हूं, लेकिन हाँ प्लीज पूछिए दूसरा सवाल। है। जी, दूसरा भी है और मेरे पास तो तीसरा भी, तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। ये बताएं मुझे कि अगर हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सवाल है ये, अगर असद कभी चीटिंग करते हुए पकड़े जाए तो आप उनके साथ क्या करेंगे, जो उस्मान मलिक की बीवी ने किया था उनके साथ, वैसे और करेंगे? ऑप्शन है, और कोई? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर ऐसा हुआ, वैसे तो कभी नहीं होगा, मुझे पता है कि असद इज नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स एट ऑल, ही टोल्ड मी ही इज माई फ्रेंड। अच्छा लेकिन नहीं, पकड़ा गया और आप मतलब पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमने 7-8 वीडियोस देखी थी वैसा, कि कुछ डिफरेंट करेंगे? नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होगा। मगर अगर कभी ऐसा हुआ तो आई थिंक आई विल लेट हिम बी, आई विल लेट हिम गो एंड हैव हिज न्यू लाइफ। मैं कभी भी नहीं उसमें इंटरवीन करूंगी। वो आप शराबी नहीं फेंकेंगे उनके ऊपर और जलाएंगे नहीं गार्डों को बोल के? नहीं अच्छा नहीं, दारा नूर जबरदस्त जवाब दिया, ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपका कभी असर, कंट्रोवर्शियल एंड वेरी नॉटी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मेकिंग योर ओन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई कांट वेट फॉर इट टू हिट 1 मिलियन। सो देन आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू इंटरव्यू व्यू यू देयर आर ओनली टू पीपल हु कम ट्वाइस ऑन द शो, ठीक है? हू एक आप है और एक हरीम है, इसलिए आप बाय डिफॉल्ट मेरे फेवरेट्स में आ जाती है ना, क्योंकि सब एक थैंक दफा यू। आए, सब एक दफा आए, आप दो दफा आई हैं, तो आप तीसरी दफा भी आएंगी जब नया सीजन होगा ना। मैं अपने सूट का कलर बदलूंगा इंशाल्लाह एक दिन, तो उसमें फिर पहली गेस्ट आप होना मेरे साथ। बहुत हसीन लग रही हो वैसे जारा। व्हेन विल यू बी हाँ, सिंगल नेक्स्ट सैटरडे? विल यू बी सिंगल नेक्स्ट सैटरडे? मैं आई डोंट नो, यू हैव माइट हैव टू कॉल असद सिद्दीकी एंड आस्क हिम, बिकॉज़ वो तो कभी भी नहीं हो सकता। सॉरी, अरे असद तो बिजी है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, तो आप मेरे साथ चले, मैंने वो दही निहारी रेस्टोरेंट में बुक कराया टेबल नेक्स्ट सैटरडे के लिए, तो आप मेरे साथ चले प्लीज। निहारी के बजाय हम बिरयानी भी खा सकते हैं वैसे। हाँ, बिरयानी सेंटर में भी बड़े अच्छे टेबल लगे हुए होते हैं, और इट बी अ वेरी कैंडल लाइट रोमांटिक किस्म का डिनर होगा। को साथ लेके जाते हैं। असद हर बात पे बीच में आ जाता है, मैं उसको ऑनलाइन लेता हूँ, पूछता हूँ उसका मसला क्या है भाई, इतनी हंसी हंसी लड़कियां लेके शादी करके उनको बिठाया, भाई ये क्या बकवास है यार। शाजिया वजाहत की बात कर रही हूं मैं। शाजी बजाज, वो जो फ्लॉप फिल्मों का डायरेक्टर, उसकी बीवी? नहीं, वो बहुत हिट फिल्म है, चलावा। कोई उसके बारे में बात नहीं करे, मैं बहुत पजेसिव हूँ। अच्छा नहीं, मेरा दोस्त है मोमन मुंशी, उसने कहा था अच्छी फिल्म नहीं है वो। नहीं, मोमिन ने मुझे साइड पे फोन किया था, कहा था बहुत अच्छी फिल्म है, वो तो सिर्फ लाइक्स। मोमन यू टू टाइमिंग बिच। अरे मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता नहीं, नो, विच, आई मीन विच, ताकि सेंसर ना हो जाए। यस बस सेंसर। हाँ ये जबरदस्त मेरी दोस्त है, और ये गाने भी गाती है हमारे साथ, और ये हमारे साथ हर किस्म की
बातें भी करती है और ये एक फिल्म है अपने इन इटसेल्फ बड़ी भी, इसको फिल्म बनाने की जरूरत है, खुद देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिल्म बनाऊंगा मैं, उसका नाम होगा जारा नूर 2.0, आपके साथ रजनीकांत होंगे। प्लीज आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट नहीं आई वुड लव टू बी जारा इन इट, जारा इन इट है ना, इन इट इन इट। वो सारी बातें करेंगे जो मुझे पता है आपके बारे में उस फिल्म के अंदर। नहीं थोड़ी थोड़ी शुरू से एंड तक, शुरू से एंड तक चैप्टर्स में। चले डरे ना, आपने सवाल पूछना है? नहीं मुझे तो कोई सवाल नहीं पूछना। अच्छा 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 सिद्दीकी आ गए सामने? नहीं असर नहीं आए, वो हमारे एक मामू जाने वो घर में आ गए। मामू जाने को देखो, मुझे जाना पड़ेगा। But congratulations and I'm just going to follow you back. भाई मामू जान है तो जरा लाए ना, मामू अदनान है ना? नहीं नहीं अदनान नहीं है, एक और मामू जान है वो अदनान से भी। अच्छा 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 चले अदनान भी आएंगे इसके अंदर के अंदर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, और एक दफा जाते जाते मुझे हाँ बोल के दिखाए। नहीं यार अरे आप मिमिक कर लेती हैं बहुत अच्छा। जी हाँ मामू के सामने हाँ। मैरिज और प्रूफ मामू के सामने है मेरे सामने तो वो सारी बातें सुन ली मैं कह रहा हूँ, जो सारी मैं इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहा था सुन ली है, सबने सुन ली है। और आपका रिश्ता अब मेरे खानदान में तो नहीं हो सकता, सॉरी। तो अगली पाए पार्टी पे तो मैं इनवाइटेड नहीं हूँ उसका मतलब। मुझे थोड़ी सी हरी डाल के दे दीजिएगा, मैं बाहर रोड पे बैठ के खा लूंगा। नहीं नहीं इतने बुरे भी नहीं है, फिर हम आपको घर में बुला ही लेंगे अगर आप बाहर आके तो। अच्छा अगर बाहर आ गए तो ठीक है, वरना मैं वहां बैठ जाऊंगा हिरोइन के साथ बैठ जाऊंगा मैं बाहर, को मसला नहीं। नहीं, सलाम है अपनी फैमिली को मेरी तरफ से, पूछिएगा सबको, ख्याल रखे, क्वारंटीन में अभी बंद ही रहे क्योंकि अभी फैल रहा है ये, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और गाने गाएंगे इंशाल्लाह। अपना फैमिली वालों, फैमिली वालों ये एक और आदमी है, ये वो नहीं है जो आपके घर आके हलीम पाए खाता है, इसको प्लीज अंदर आने दीजिएगा, ये वो नहीं है प्लीज। आई विल एक्सप्लेन ज़ारा, प्लीज एक्सप्लेन इट टू देम प्लीज प्लीज, आपको पता है ये मेरा जो डिसऑर्डर है, मेरे डिसऑर्डर के बारे में इनको अच्छी तरह बता दीजिएगा, अगर मैंने नाम लिया उस डिसऑर्डर का तो लोग पीछे पड़ जाएंगे कि दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज अ सीरियस थिंग, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं नाम नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, डन, चलो हाफिज, थैंक यू, हाफिज।